देखे पहले के जो आर्मी के फाइटर जेट्स आते थे उनकी स्पीड को काफी ज्यादा तेज रखा जाता था, लेकिन अब जो आर्मी के फाइटर जेट्स आ रहे हैं उनकी स्पीड को काफी कम रखा जा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल आता है कि इतनी नई नई टेक्नोलॉजी आने के बावजूद भी इन प्लेन की स्पीड को कम क्यों रखा जा रहा है? तो चलिए बड़ी ही गजब की जानकारी बताते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। खे पहले के फाइटर जेट की स्पीड इतनी तेज इसलिए रखी जाती थी, उनका इस्तेमाल तेजी से दुश्मन के एरिया में घुसकर तबाही मचाने के लिए, तेजी से सेफली वापस आने के लिए किया जाता था। लेकिन आजकल फाइटर जेट की स्पीड को इसलिए कम किया जा रहा है क्योंकि आजकल के फाइटर जेट्स में पुराने समय के फाइटर जेट्स के मुकाबले काफी सारी खतरनाक और फास्ट मिसाइलें आ रही है, और फाइटर जेट से किसी भी जगह पर निशाना लगाने के लिए स्लो स्पीड की जरूरत होती है। और अगर पायलट को दुश्मन की मिसाइल से अपने फाइटर जेट को बचाना होता है तो पायलट को अपने फाइटर जेट को जल्दी से मोड़ना होगा, लेकिन फाइटर जेट को तेज स्पीड में होने की वजह से जल्दी मोड़ा नहीं जा सकता, और इन्हीं कारणों की वजह से फाइटर जेट की स्पीड अब कम होती है।